योग्य बनो और प्रज्ञा जागे जागे मेरा चेतन। हे गुरु हे गुरु हे गुरु, हर पल हर क्षण बन जाए बस सतगुरु तेरा निकेतन। ये ही धुन। पल पल जागृति से जीने का संदेश देने वाले अनंत ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगमवाणी को भाव वंदना। सृष्टिगत सहयोगी समस्त षट जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीवन का हर क्षण बहुत सुंदर है। जो लोग ज्ञान और विवेक से जीते हैं उन्हें इसी जीवन में अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, किंतु जो लोग अपने चारों ओर के माहौल में रही हुई विसंगतियों पर ही ध्यान केंद्रित करके रखते हैं, हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये कमी है, ये परेशानी है, ये दुख है, ये पीड़ा है, मेरे मन में इस चीज़ की इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, मेरे तन में ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, पता नहीं ठीक होगी नहीं होगी कब होगी। जो लोग निरंतर जीवन के अभावों को सोचते रहते हैं उन्हें ये विश्वास ही नहीं होता कि जीवन अद्भुत आनंद भी है, विश्वास ही नहीं होता। और हम में से अधिकांश लोगों को अपने अभावों और पीड़ा को सोचने की आदत पड़ गई है। इस आदत को बदलना बहुत जरूरी है और यह आदत हमारी हम ही बदलेंगे, कोई और नहीं बदलेगा। हाँ, हम चाहे तो अपने घर के सहयोगियों को साथियों को कह कर रख सकते हैं कि जैसे ही मैं पीड़ा की बातें बोलने लगूं मुझे टकोर देना कि मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी है, जैसे ही मैं अपनी परेशानी की बातें बोलने लगूं मुझे टकोर देना कि मुझे परेशानी को बार बार जुबान पर नहीं लाना है। हम ऐसा कह सकते हैं, पर पता है हम में से अधिकांश लोग क्या कहते हैं? हम में से अधिकांश लोग अपने साथियों को कहते हैं अपनी पीड़ा तो कहो, मन में क्यों रखते हो, अपनी परेशानी को तो कहो, अरे क्या बेचैनी है आपको, कहो तो सही। अब हम उन लोगों को अगर थोड़ी भी बेचैनी हो तो बार बार पूछ करके उन्हें बार बार सालते हैं, जैसे किसी आदमी को जहां पर घाव लगा हुआ हो उसी पर जाकर के कुरेदो तो उसको कितना दर्द होगा, कितना खून निकलेगा। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को आदत हो गई है दूसरों के घावों को कुरेदने की और अपने घावों को भी कुरेदने की। कहीं बैठे भी होंगे, किसी से मिलेंगे तो उनको भी कहेंगे तब आपने कितना दुख भोगा था ना, तब आपने कितना कष्ट उठाया था, कितने संकट सहन किए थे, आज आप ठीक जगह पर हो। यानी उनको उनके संकटों की कष्टों की याद जरूर दिलाएंगे और अपने भी कष्टों और संकटों का रोना गाते रहेंगे। हम जो बोलते हैं उस बोलने के प्रति हम अवेयर बने कि हम क्या बोलते हैं। हम औरों के मन में दुख की अनुभूतियां जगाते हैं, खुद के मन में दुख की अनुभूतियां जगाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी तो जिंदगी खराब है, हमारी तो जिंदगी नरक बन गई, पता नहीं कैसे लोग मिले, कैसा माहौल मिला, मेरा कर्म ही खराब है, मेरे मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती है। हम खुद ही अपने मन की इच्छाओं को पूरी नहीं होने के कारण है, कोई और नहीं है। लेकिन हमें हमेशा ही अपने अभावों को सोचने की बोलने की आदत पड़ गई है। आदतों को बदलें। संगी साथियों को कह सकते हैं कि मुझे टकोर दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहीं फालतू ना बोलने लग जाऊँ, कहीं नेगेटिव ना बोलने लग जाऊँ, मुझे याद दिला देना।
अगर कोई ऐसा कह दे बड़ी सरलता से, घर का माहौल ही बदल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो हमें कोई कह भी देना कि तुम नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, तो हम कहते हैं अपना उपदेश अपने पास रखो, अपनी सलाह अपने पास रखो, मुझे कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। ये बातें तो मैं भी जानता हूँ, ये बातें तो मैं भी जानता हूँ। और ये हकीकत है कि आज की दुनिया में अच्छी बातें कौन नहीं जानता। हाँ, अच्छी बातें किसको नहीं पता। ज्ञान मिलना आज की दुनिया में कठिन नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है। लोग कहते हैं अच्छे उपदेश, अच्छी सलाह, अच्छी बातें रोज सुबह उठते ही हमारे मोबाइल पर ही मिल जाती है, फेसबुक पर मिल जाती है, व्हाट्सएप पर मिल जाती है, ट्विटर पर मिल जाती है। अब कोई नई बात है, न्यूज़पेपर भी खोलो तो न्यूज़पेपर पे पहली लाइन तो कोई ना कोई अच्छी कोटेशन की लिखी होती है। बाकी सारी न्यूज़ चाहे कैसी भी हो, फर्स्ट लाइन तो वो लोग किसी न किसी महापुरुष का कोई ना कोई सुवाक्य लिख भी दिया करते हैं। ठीक है, अच्छी बातें सबको ही जानता है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है। हम अपनी ही उन अच्छी बातों का रेस्पेक्ट करना नहीं जानते। दूसरों की तो छोड़ो, जो अच्छे मैसेजेस हम औरों को भेजते हैं, हम खुद ही उन मैसेजेस को फॉलो करना नहीं जानते। हम अपने ज्ञान का आदर करना सीख जाएं, जाने हुए का आदर करना ज्ञान की आराधना है। जाने हुए को निग्लेक्ट कर देना, उपेक्षा कर देना, जाने हुई ज्ञान की बातों को स्वयं ही गौण करते हुए कहना, ऐसा कोई होता है क्या? ये एक स्वयं के द्वारा हो गई ज्ञान की आशातना है। इस तरह से हम ज्ञान की आशातना निरंतर करते हैं, और कई बार ज्ञान देने वाले साधु संतों की भी आशातना कर बैठते हैं। बहुत कुछ हमारे मन में ज्ञान देने वाले साधु संतों के प्रति भी कई बार ऐसा भाव हो जाता है कि ये लोग दिन भर ज्ञान ही ज्ञान देते रहते हैं, इससे क्या भला हो जाएगा, किसका भला हो गया, कितने लोग मुक्त हो गए, कौन से कि लोग सिद्ध हो ही जाते हैं, और होना आसान है ही नहीं। हमारी इस दुनिया में इतनी डिफिकल्टीज है, ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म होने वाली नहीं है। इन ज्ञानियों के ज्ञान से हो क्या जाएगा, हम ज्ञानियों के ज्ञान की भी आशातना कर बैठते हैं। खुद के ज्ञान की आशातना और कोई ज्ञानी ज्ञान दे उसकी आशातना, ये हमारे द्वारा दिन भर में कितनी दफे होती है, कितनी बार होती है, कितनी बार हमारे अंतर मन से सही निर्णय, सही ज्ञान, सही प्रकाश की किरण प्रकट होने को होती है, लेकिन हम ही रोक देते हैं ये कह करके कि ये सारी बातें प्रैक्टिकल नहीं है। क्या बोलते हैं लोग, महाराज साहब आपके प्रवचन सुन लिए, अच्छे लगे, समझ में भी आ गए, लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ी है। अब प्रैक्टिकली जीवन में कोई राग द्वेष किए बिना जिया जा सकता है क्या, आप बताओ, आपको क्या लग रहा है? प्रैक्टिकल है, जीवन में राग द्वेष किए बिना जिया जा सकता है? जो बात आप हमेशा कहते हो, आज मैं ही वो प्रश्न आपसे पूछ रही हूं। हाँ, क्या लगता है, आप ही की बात आपसे कर रही हो? नहीं, आप लोग क्या कहते हो, मरा साहब कोई राग द्वेष किए बिना जिया जा सकता है क्या, ये प्रश्न करते हो ना? मरा साहब लोगों को कहते हो आपकी सारी बातें सही है, समझ में भी आ गई, अच्छी भी लगी, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कहते हो ना कि राग द्वेष किए बिना कोई जिया नहीं जा सकता। ये जीवन है मरा साहब, हमें गृहस्थ में रहना पड़ता है, इस दुनिया में रहना पड़ता है, संसार में रहना पड़ता है, तो हमें राग द्वेष तो करना ही पड़ता है। अब संसार में रहना पड़ता है तो भैया रहना तो संसार में ही होगा, और तो कहाँ रहोगे। और संसार के पार तो वो जिसको हम सिद्ध अवस्था कहते हैं, और वहां पे जाकर के राग द्वेष नहीं करोगे तो वहां तो राग द्वेष जो नहीं करता है संसार में वही वहां जाता है। वहां जाके थोड़ी साधना करनी है, साधना तो यही करनी है। वहां तो राग द्वेष से जो मुक्त हो जाता है वही पहुंचता है। प्रैक्टिकल लाइफ में राग द्वेष से मुक्त होना है हमको,
इसी गृहस्थ में, इसी संसार में। लोग कहते महाराज साहब हम तो गृहस्थी, आप तो साधु हो, आपको क्या पता गृहस्थ में क्या दिक्कतें होती है। मैंने कहा गृहस्थ हो या साधु हो, संबंध तो सबके पास है, समाज तो सबके पास है, संस्थाएं अलग अलग हो गई, जीवन शैली अलग अलग हो गई, कुछ विषय बिंदुओं का बड़ा फर्क आ गया, लेकिन सामान्य रूप से तो विषय बिंदु सबके साथ वे ही है। राग द्वेष का संबंध विषयों से नहीं है, सब्जेक्ट से नहीं है, कौन कौन से विषयों के साथ हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है उससे नहीं है। राग द्वेष का संबंध तो मन के भीतर के समझ से है, भीतर में बोधि जागृत हो जाए कोई राग द्वेष का कारण ही नहीं बचेगा। भीतर में बोध ना जागे तो राग द्वेष मौजूद ही रहेंगे, और उस बोध को जगाने के लिए मत सोचो कि ये संसार छूटेगा, गृहस्थी छूटेगा, या उम्र बड़ी होगी, या ये सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी तब जाके बोध जागेगा। नहीं, जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी तब बोध जागेगा ऐसा कभी नहीं है। इन्हीं जिम्मेदारियों को जीते हुए बोधि को जगाना है हमें, और बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। केवल इतना ही है कि जितने उपदेश हम औरों को देते हैं वो खुद भी सुन ले, और जितनी बातें हम सुनते हैं उन बातों के साथ जरा खुद को भी तोल ले, जांच कर ले अपनी भी। आसान है, मुश्किल नहीं है, हमने बना रखा है मुश्किल। और इतनी बार हम बोल चुके होते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, एक जन्म में तो संभव ही नहीं है, न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब कहीं जाकर के अकल आएगी। कितनी बार बोलते हैं, और क्या पता इसके पहले भी कितने जन्मों में अपन यही बात बोल चुके हैं, हो सकता है ना इसके पहले भी बहुत बार बोल चुके हो, अभी बोलना बंद करो, अभी बोलो इसी जन्म में संभव है, इसी माहौल में संभव है, इसी माहौल में समझ पैदा हो जाना संभव है। बोधि दुर्लभ थी, है नहीं, थी जब साधन नहीं था, जब समझ नहीं थी, जब पांच इंद्रियां नहीं थी, जब मन नहीं था, जब धर्म गुरु देवता का शरणा मिला नहीं था, अभी सब मिल गए, फिर भी हम बार बार बोल करके कि कठिन है, कठिन है, कठिन है बोलकर इसको कठिन बना डालते, खुद ही बोल करके खुद ही इन चीजों को कठिन बनाते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा बोल करके हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं कि नहीं अगर ज्ञान मिला भी और मैं नहीं उतार पाया तो ठीक ही है ना, क्योंकि वैसे भी पॉसिबल नहीं था। जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में जब फेल हो जाता है तो घर आके माँ को क्या बोलता है, माँ उसको डांटती है तू फेल क्यों हुआ, तो कहती है माँ मेरी गलती नहीं है, टीचर की गलती है, उसने 10 में से 6 स्टूडेंट्स को फेल किया है। अथवा कहेगा माँ मेरी गलती तो है ही नहीं, पेपर ही आउट ऑफ कोर्स आया था, इस बार पेपर ही इतना कठिन आया था, इस बार रिजल्ट वैसे ही 40-50% ही रहा है, इसमें मेरी क्या गलती। वो माँ को ये कहकर के ये बताना चाहता है कि गलती मेरे पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं है, या तो सिस्टम में गलती है, या मेरे टीचर में गलती है, या मेरे फ्रेंड्स में गलती है, लेकिन मैं नहीं पढ़ा, ये कभी वो स्वीकार। अब बच्चा स्वीकार नहीं करता तो हम उसको क्या कहते हैं, कहते हैं अच्छा 5 फेल हुए, 5 तो पास हुए, तो उन 5 में क्यों नहीं आया। हम बच्चे को कितनी अच्छी तरीके से समझाएंगे, ऐसे ही खुद से पूछो। ये हमें लगता है कि राग द्वेष बिना नहीं जिया जा सकता, लेकिन ऐसा है नहीं, बिना राग द्वेष के पूरी समझदारी के साथ आराम से जिया जा सकता है। अब मैं कितने भी उपाय बताऊं, आप कहोगे सब उपाय हमें आते हैं, हमें पता है, लेकिन दिक्कत क्या है, उन उपायों को हम अपनाते नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं सबसे पहले सुने हुए पे श्रद्धा करो, प्रतीति करो, सुनने की रुचि तो हो गई तभी सुना, उसके बाद सुने बात पे श्रद्धा हो, प्रतीति हो, फिर उसके बाद सुने हुए ज्ञान का स्वयं आदर करो, जाने हुए का आदर करो, और छोड़ने योग्य का अनादर करो। जिसको छोड़ना है उसके प्रति उपेक्षा भाव लाओ, छूट जाएगा। लेकिन हम लोग उन चिंता दुख परेशानियां जिनको हमें छोड़ना है हम उनका आदर करते हैं, उल्टी हो गई ना बात, रेस्पेक्ट गलत जगह पहुंचा दिया।
जिनको वाकई छोड़ना था, अपनी समझ से उनकी चर्चा करना बंद कर दो, उनको देखना, उनका आदर करना जैसे कि कमियां। अब कमियां छोड़नी थी, वातावरण से भी हटानी थी, तो अपने माहौल के लोगों की कमियां देखना भी कम कर दो, बंद कर दो। गुण बढ़ाने हैं, गुणों को देखना शुरू कर दो। समृद्धि लानी है तो समृद्धि को फील करना शुरू कर दो। लेकिन कमियों को देखोगे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो समृद्धि कैसे आएगी? शांति चाहिए, वातावरण में अशांति है, आप फील करना शुरू कर दो कि शांति है, शांति होने लग जाएगी, होने लग जाएगी फील करना शुरू करने से। ज्ञान है हमारे पास, केवल उस ज्ञान पर जो अपने अंदर से समझ आती है कि छोड़ो इस कलह की बात को, छोड़ो इस तनाव वाली बात को। मन में आता है कि छोड़ दो, लेकिन हम खुद ही नहीं छोड़ते। जब मन में आए कि छोड़ो तो छोड़ दो, और लगे कि नहीं छोड़ा जा रहा है तो बोल करके कहो। कई चीजें हमारा मन जानता है कि छोड़ना है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, तो खुद को बोल करके कहो। ये उपाय भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि बोल कर कह दो कि मैं इस तनाव को छोड़ता हूं, छोड़ता हूं, छोड़ता हूं। मैं इस व्यक्ति के प्रति मन में रहे हुए सारे द्वेष को छोड़ता हूं, छोड़ता हूं, छोड़ता हूं। बोल करके कह दो। आप कहोगे कि बोलकर कहने से छूट जाएगा क्या? इसलिए मैंने पहले कहा था, सुने हुए पे श्रद्धा करो, सुने हुए पे श्रद्धा करो, फिर बोल करके कह दो कि मैं छोड़ता हूं, छूट जाएगा। और फिर नहीं छूटे, फिर बोल करके कहो। बोल करके कहना कितना महत्वपूर्ण है। बोल करके कहने को शास्त्र की भाषा में कहा गया है क्या? प्रत्याख्यान। बोल करके कहना क्या कहलाता है? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान शब्द का मतलब ही है बोल करके कहना, आख्यान करना। आख्यान मतलब कहना। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आपके अंदर परिवर्तन आ रहा, नहीं आ रहा? कुछ चेंज फील कर रहे हो? कुछ समझ फील कर रहे हो? मैंने बोला तो फील किया ना, नहीं बोलते तो कैसे फील करते? तो हमारी वाणी को आप क्या बोलते हो? व्याख्यान। ये व्याख्यान हुआ, शब्द क्या हुआ? आख्यान। आख्यान में वी लग गया तो व्याख्यान हो गया, और आख्यान में प्रति लग गया तो प्रत्याख्यान हो गया। अब प्रति क्या था? क्रोध के प्रति बोल करके कह दो, द्वेष के प्रति बोल करके कह दो, राग के प्रति बोल करके कह दो, चिंता के प्रति बोल करके कह दो, बीमारी के प्रति बोल करके कह दो, अब मैं बीमार नहीं हूं। बोल करके कहो। कितनी बार बोलो? कम से कम 3 बार। कितनी बार बोलना? कम से कम 3 बार बोल करके कह दो। हर धर्म में यही बात कही गई कि कम से कम 3 बार आप अपने आप को बोल करके कहो। मुस्लिम धर्म में तो यहां तक कह दिया कि किसी से आपका शादी हो चुकी है, संबंध हो चुका, और आप 3 बार बोल करके कह दो। जब आप 3 बार बोल करके कह देते हो तलाक तलाक तलाक, तो तलाक कितना महत्व दिया 3 बार बोल करके कहने को। हमारे यहां भी यही कहा गया, जब आपको उपवास करना है, जब आपको सामायिक करनी है, जब आपको कोई भी तरह का त्याग करना है, आप बोल करके कहो कि आज दिन भर में मेरे भोजन ग्रहण करने का त्याग त्याग त्याग। हो गया प्रत्याख्यान। अब 1 घंटे तक इस स्थान से उठ करके किसी भी सांसारिक विषय में दिमाग लगाने का त्याग। 3 बार बोल दो, अपानम वो सिरामी, अपानम वो सिरामी, अपानम वो सिरामी, छूट गया। किसी भी कषाय भाव को छोड़ना हो, सावध्य क्रिया को छोड़ना हो, तो आप अपानम वो सिरामी बोलो। नहीं समझ में आता, हिंदी में बोलो, मैं उसको अपनी आत्मा से छोड़ता हूं, छोड़ता हूं, छोड़ता हूं। अरे तलाक हो सकता है संबंध का, तो अंदर से कषाय भाव का तलाक क्यों नहीं हो सकता है?
हो ही तो सकता है। श्रद्धा होगी तो प्रत्याख्यान घटित होगा, श्रद्धा नहीं होगी तो प्रत्याख्यान घटित नहीं हो सकता। हमारे वचनों पे हमें ही विश्वास नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं घटित हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे वचनों पर हमें ही भरोसा नहीं। हमारे वचनों पर तो हमें भरोसा हो, हम लोगों को कितना भरोसा दिलाते हैं, मैंने कहा ना दे दूंगा, भरोसा रखो कहते हैं। और सामने वाला अगर भरोसा ना करे तो बुरा लगता है, मैंने कहा और वो भरोसा ही नहीं करता। वो तो छोड़ो, हमें हम पर भरोसा नहीं करते, हम बोल करके कहें तो सही कि आज मुझे भूख नहीं लगेगी, 3 बार बोल दो, आज के दिन भोजन का त्याग त्याग त्याग, नहीं लगेगी भूख, बोल के देखो। यही तो भगवान महावीर स्वामी की साधना है कि आपने जो बोल दिया आपकी सृष्टि बन गई, आपका वचन बल प्राण आपकी सृष्टि का निर्माण करता है। वाणी सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है। ज्ञानियों ने क्या दिया, वाणी ही तो दी, और ज्ञानियों की वाणी से 4 तीर्थ की स्थापना हो गई। महावीर अगर नहीं बोलते 4 तीर्थ बनती क्या, आदिनाथ भगवान नहीं बोलते 4 तीर्थ बनती क्या, 4 तीर्थ बने किससे बने, वाणी से। इसीलिए प्राचीन आचार्य कहते हैं कि केवल ज्ञान भी श्रुत ज्ञान का उपकारी है, केवल ज्ञान हुआ उनको, लेकिन अगर वे बोलते नहीं तो श्रुत ज्ञान नहीं होता। केवली का बोलना श्रुत ज्ञान, हमारे लिए श्रुत ज्ञान है क्योंकि उन्होंने बोला तो हमने सुना, भाई हमें केवल ज्ञान हुआ, किसी को क्या मिला। लेकिन जैसे ही हमें ज्ञान हुआ हमने बोला, बोला तो दूसरों को सुनने को मिला, वो श्रुत ज्ञान। और जब श्रुत ज्ञान हुआ तो ही तो दुनिया को ज्ञान हुआ, समझ आई, गलत समझ हट गई, तब कितनी चेतनाएं डूबने वाली थी मुक्त होने लग गई, कषाय करने वाली थी अकषाय की अवस्था में आ गई, राग द्वेष करने वाली थी वितराग अवस्था तक आने लग गई। क्यों? सुनने से। और सुना कब? जब बोला गया। तो सृष्टि का निर्माता कौन? सृष्टि के निर्माण में हमारी सृष्टि, हमारी इस दुनिया के निर्माण में हमारा वचन बल प्राण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम क्या बोलते हैं, अब से बोलना बंद करो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ये सारी राग द्वेष तो करने ही पड़ते हैं, हम तो गृहस्थी है, हम तो दुनियादार है, हम तो संसारी है। भैया संसारी ही साधना करेगा, सिद्ध तो साधना करेगा ही नहीं। और जहां हो वहीं पे राग द्वेष शून्यता की साधना करनी है, परिवेश बदल देने से राग द्वेष बदल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, पात्र तो बदल जाएंगे छात्र तो वही रहेगा ना, इसीलिए बदलना तो इस छात्र को है। तो अपने आप को चेंज करने के लिए हमें बोलना होगा, और रोज बोलो, सुबह उठ करके रोज बोलो, आज आपको अपने में से कौन सी चीज को दूर करना है, कोई एक चीज निकालो, आलस्य दूर करना है, घमंड दूर करना है, गुस्सा दूर करना है, शिकायत करने की आदत दूर करनी है। पर्टिकुलर इस आदमी को देखता हूं तो गुस्सा आता, ठीक है, अब उस आदमी को माइंड में लाओ और 3 बार बोलो, मैं इसके प्रति द्वेष को छोड़ता हूं, मैं इसके प्रति द्वेष को, मैं इसके प्रति द्वेष को। अब आप उस आदमी से मिलो, फिर द्वेष ना पनपे, तो आपने अपनी दुर्वृत्ति को जीता। अब प्रैक्टिकली करके देखो, बार बार कहते हो ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूं प्रैक्टिकली करके ही देखो। प्रत्याख्यान है, बोल करके कह दो, बोलने का कितना फर्क होता है। अनजान कोई कह दे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, हमें प्यार पैदा होने लग जाता है, हाँ उसके प्रति हमें प्यार पैदा होने लग जाता है। और अगर 3 बार कह दे हम उसको सच मान लेते, मानते या नहीं मानते, हम में से कौन इंसान है जो नहीं मानता, हर कोई।
कोई कह दे, अनजान कह दे, मैं तुम पे भरोसा करता हूं, हम मानते नहीं मानते, मानते ना? और कोई परिचित कह दे, साथ रहने वाला कह दे, मेरा तुमसे विश्वास हट गया, मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे? उसने बोला और मान लिया, मानते हो और दुखी भी होते हो, परेशान भी हो जाते हो, यानी उसका वचन हमारी सृष्टि को प्रभावित करता है, हमारा वचन उसकी सृष्टि को प्रभावित करता है। तो हमारा वचन ऐसा हो जाए कि मैं बोल कर कहता हूं कि मैं आज से, आज के दिन, आज से थोड़ो, आज के दिन की बात करो, क्योंकि हमको तो प्रैक्टिस करनी है, शने शने थोड़ी थोड़ी साधना, अभी सुन रहे थे ना आप, आगार धर्म की साधना, आनंद की साधना, छोटी छोटी साधना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अपन भी स्लो चलें लेकिन स्टडी सतत चलें, और हर चीज में कंटिन्यूएशन होना बहुत जरूरी है। सुना तो बहुत है, सुने हुए को अप्लाई करने के लिए सतत साधना करनी होती है। आदमी को कितनी स्थापत्य कला सिखा दी जाए कि ऐसे 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 मूर्ति बनती है, लेकिन मुझे पत्थर तोड़ना होता है ना मूर्ति बनाने के लिए, उस पत्थर पे तोड़ने के लिए सतत आरी चलानी पड़ती है, सतत मशीन चलानी पड़ती है। और जब मैं देखती हूँ मंदिर बनाने वाले लोगों को, तो बड़ी हैरान होती हूँ कि मजदूर कितनी देर तक उस पत्थर पे काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक उस पत्थर पे पानी डालते हैं, फिर उसके ऊपर आरी चलाते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर आरी चलाते हैं, और कितना विशाल पत्थर भी टूट जाता है, प्रतिमा का आकार ले लेता है, मंदिर का आकार ले लेता है। अरे वो पत्थर था, इतना प्रयास किया और उतना चेंज हो गया, हम तो इंसान हैं, उससे थोड़े प्रयास में भी हम बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। वो पानी डालता है और आरी लगाता है, ऐसे हम ज्ञान का पानी लें और प्रत्याख्यान की आरी लगाएं। दो बातें साथ रहे, सुनो और फिर आरी लगाओ, बोल करके कहो इस चीज को छोड़ता हूं। वो मंदिर बना रहा है, वो मूर्ति बना रहा है, हम अपने अंदर मूर्ति बना रहे हैं, अपने जीवन को मंदिर बना रहे हैं, तो आरी तो लगानी होगी ना। खाली सुनने का पानी गिरा और फिर जो कटने लायक था, जो छोड़ने लायक था, उसको नहीं छोड़ा तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोल करके कहो, आज से प्रैक्टिस कौन करेगा? धन्यवाद, आप सबने हाथ खड़ा किया है। बस छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस शुरू करो, जो भी आपको लगे छोड़ना है तीन बार बोल के कहना, ठीक है? इतनी बात पे आपने भरोसा किया, इसलिए आपको धन्यवाद, और हम सबके अंदर का परमात्मा जागृत हो जाए इसी सद्भावना के साथ। ओम शांति, ओम शांति।